Hi friends, welcome to free tips and tricks for mobile, PC, laptop, technology and jobs. First of all, thanks to all my viewers and subscribers because you always comment, you always share videos, you always subscribe channel. That's why channel increasing day by days. So today is my subject regarding visa. What is visa and how many kind of visa available? So आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो वीज़ा से रिलेटेड है. वीज़ा क्या है और वीज़ा के जो है कितने जो है प्रकार होते हैं, तो ये अगर आपको जानना है तो ये बेसिकली चीज़ है. इस वीडियो में मैंने जो है पूरा डिटेल में जो है बताया है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि वीज़ा क्या है और उनके जो है कितने जो है टाइप होते हैं और क्यों कौन सी वीज़ा जो है अवेलेबल जो है होती हैं. तो सबसे पहले तो दोस्तों बता दूंगा, वीज़ा जो कि ये वर्ड है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है विजिट इंटरनेशनल स्टेट एडमिशन. विजिट इंटरनेशनल स्टे एडमिशन इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो ये होती है. और वीज़ा जो होती है, वीज़ा एक तरीके से किसी कंट्री में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर किस पर्पज़ से आप जा रहे हैं तो वहाँ की एक अनुमति आपको चाहिए होती है, उसको जो है वीज़ा बोलते हैं. तो वीज़ा के लिए देखिएगा अलग अलग जो है कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग जो है टाइप होते हैं उसके, वही आज इस वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया है जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा. और अगर आप उन वीज़ा पर वहाँ पर जाएंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है आपको ये नहीं है कि आपको कोई जो है बेवकूफ़ बना सकता है, आपको उन चीज़ों के बारे में जो है नॉलेज जो है होनी चाहिए. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं. देखिएगा वीज़ा जो होती हैं वो सबसे पहली तो ये है कि विजिट वीज़ा जो क्या होती है. विजिट वीज़ा में यह है कि आप किसी कंट्री में जो है घूमने के पर्पज़ से जा सकते हैं, वहाँ पर जो है आप सिर्फ घूम के जो है आ सकते हैं वहाँ से. विजिट वीज़ा जो है अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग जो है रूल होते हैं. बहुत से जैसे इंडिया से जो है 59 कंट्रीज़ हैं, वहाँ जो है आप विजिट कर सकते हैं, सिर्फ वहाँ के आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है. जो कि मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, वहाँ पर आप क्या है कि वहाँ पर सिर्फ आपको टिकट लेना है और वहाँ पर जा करके विजिट करना है. और ये कंट्रीज जो है इनमें ये कंट्री जो है अपने कंट्रीज़ को जो है विजिट के लिए विजिट वीज़ा इसलिए देती हैं जिससे कि उनकी कंट्री में जो है विजिट से रिलेटेड जो है वहाँ पर ज़्यादा जो है उनका बिजनेस हो सके. तो इसलिए देखिएगा किसी भी एजेंट के चक्कर में ना पड़े, वो बोले कि हम जो है विजिट वीज़ा के इतने पैसे आपसे लेते हैं. आप खुद से जो है अप्लाई कर सकते हैं. जो ये 59 कंट्रीज़ में बता रहा हूँ, मैं वीडियो बनाई हुई है उसकी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में उसको डाल दूंगा. उन कंट्रीज़ में आप विजिट करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो है वहाँ पर जो है अपनी ट्रेवल हिस्ट्री जो है इंक्रीज कर सकते हैं विजिट वीज़ा पर जा करके वहाँ पर उन कंट्रीज़ में. ठीक है, तो ये तो हो गई विजिट वीज़ा आप जा सकते हैं. ठीक है, लेकिन आप वहाँ वर्क नहीं कर सकते हैं. वर्क जो है आपको फिर दूसरी वीज़ा जो होती है वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा. ठीक है, तो अब दूसरी जो वीज़ा आती है वो आती है जैसे कि आपकी जो है स्टूडेंट वीज़ा में क्या है कि स्टूडेंट वीज़ा में आप जो है जा सकते हैं किसी कंट्री में और वहाँ जा करके जैसे कि स्टडी का जो है वहाँ पर प्रोसेस होता है. जितने साल की भी स्टडी वीज़ा होती है उसके बाद अगर आपको वहाँ पर कोई एम्प्लॉयर मिल जाते हैं तो अपनी जो है उसको आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में जो है चेंज कर सकते हैं उसको. वो आपके एम्प्लॉयर के ऊपर बात है कि एम्प्लॉयर आपको जो है वहाँ पर वो जो है चेंज कर दे आपके. ठीक है, तो ये जो है दूसरी हो गई आपकी क्या है कि ये आपकी विजिट स्टूडेंट वीज़ा. तीसरी जो आती है वो आती है कि जैसे कि आपकी जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा. एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में क्या है कि कोई अगर एम्प्लॉयर आपको मिल जाते हैं जैसे किसी कंट्री में, वो आपको जो है वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आ जाती है. एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है वो प्रोवाइड करते हैं, वो आपके जो है एम्बेसी में जाती है. एम्बेसी से वो ऑफर लेटर प्रोवाइड करते हैं. अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग रूल है, वो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है. अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग जो है प्रोसेस मैंने बताया हुआ है. ठीक है, तो ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होती है. चौथी जो आती है वो ये आती है कि जैसे कि आपकी मैरिज वीज़ा में क्या है कि जैसे कि आप किसी कंट्री में जैसे कि मतलब शादी करना चाहते हैं जिस किसी कंट्री की जो है लेडीज़ से, तो वहाँ पर आपको जो है वहाँ की जो है एक पेपर होता है एम्बेसी में देना होता है कि आप उस नेशनलिटी की लेडीज़ से शादी करना चाहते हैं. तो उसके लिए देखिएगा आपको वो जो है मैरिज वीज़ा आपको वहाँ की जो है मिलती है, जिससे कि आपको वहाँ नेशनलिटी मिलने में जो है कोई प्रॉब्लम ना पड़े. तो इसलिए वो आप जो है उसकी जो है मैरिज वीज़ा जो है ले सकते हैं. ठीक है, अब आती है जो बात करूँगा मैं, चौथी जो कैटेगरी होती, पांचवी जो कैटेगरी होती है वो होती है आपकी जैसे कि आप जैसे कि किसी कंट्री में जो है जाना चाहते हैं और वहाँ पर जो है आपको वहाँ पर आपको जो है इमिग्रेंट वीज़ा जिसको बोलते हैं, जैसे कि आप किसी कंट्री में जो है वहाँ की रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इमिग्रेंट वीज़ा जो होती है वहाँ की वो जो है आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, और छठी जो कैटेगरी होती है वो होती है वीज़ा ऑन अराइवर. जो देखिएगा बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, जो जैसे कि आपकी फिजी हो गया या आपकी जो है जैसे कि यूक्रेन है या आपकी जैसे कि
कंबोडिया है या वियतनाम है, ये क्या है कि ये सब जो है वीजा ऑन अराइवल कंट्रीज हैं। इनमें आपको जो है एडवांस में आपको वहाँ जाना नहीं पड़ता, वहीं जो एयरपोर्ट पर आपकी जो है वीज़ा स्टैम्प होती है। इन कंट्रीज में श्रीलंका हो गया, ये सब वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज हैं। इनमें आप जो है सिर्फ टिकट लेना है और जब वहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट पर उस कंट्री के, तो वो जो है आपको वहाँ की जो है वीज़ा जो है मिल जाए, मतलब वहीं जो आपकी वो जो है स्टैम्प जो है वीज़ा होती है, तो उसमें वहाँ जा कर के आप जो है उसको वहाँ पर जो है आप अपनी वीज़ा जो है स्टैम्प करवा सकते हैं। वीज़ा स्टैम्प हो जा ही जाती है इन कंट्रीज़ में, कंबोडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, या आपकी जो है वियतनाम है, या आपका जो है जैसे कि मंडेस्कर है, ये सब कंट्रीज़ ये हैं कि यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ है। वो वीडियो मैंने बनाई हुई है कौन कौन सी वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ हैं, वो आप उसमें देख लीजिएगा, मैंने पूरा उसमें बताया हुआ डिटेल से, ठीक है ना। इन कंट्रीज़ में जा कर के आप ट्रेवल हिस्ट्री अपनी इंक्रीज जो है कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको यूएसए कनाडा अगर जाना हो इन फ्यूचर तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सातवीं जो कैटेगरी होती है वो होती है ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा क्या है? ट्रांजिट वीज़ा वो है कि जैसे कि आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं और बीच में कोई दूसरी कंट्री पड़ जाती है, जैसे कि बीच वाली कंट्री में आपको स्टे करना है, तो वहाँ पर देखिएगा आप 72 आवर्स के करीब जो है वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, तो उसको ट्रांजिट वीज़ा बोलते हैं। वो ट्रांजिट वीज़ा सिर्फ जो है 72 घंटे के लिए जो है वैलिड होती है, इसके बाद वो जो है नहीं होती है। जैसे कि आप यूएसए से कनाडा जा रहे हैं, तो यूएस कनाडा में जैसे कि बीच में कोई जो है पड़ जाती है, जैसे कि किसी जगह लैंड हुआ एयरपोर्ट पर जो आपका प्लेन, या और कि जैसे कनाडा आपके बीच में पड़ गए तो ईटीए बोलते हैं उसको, वो जो है ईटीए आपकी उन्हीं कंट्रीज़ में, जो कि अगर आपकी वहाँ की नेशनलिटी है तो ईटीए पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ईटीए क्या है और ईटीए पर आप जो है कैसे कौन कौन सी कंट्रीज़ उसमें जो है आती है। तो बीच में कोई कंट्री पड़ जाती है तो उसको ट्रांजिट वीज़ा बोलते हैं। ट्रांजिट वीज़ा जो है आपकी 72 आवर्स के लिए जो है वैलिड होती है। तो ये देखिएगा मैंने कुछ जो है कैटेगरीज आपको बता दी हैं, ये सब कैटेगरीज होती हैं वीज़ास की। इनमें इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्योरी हो, कोई भी आशंका हो इससे रिलेटेड, यू कैन आस्क मी और मोर डिटेल, फॉर मोर डिटेल। अगर आपकी इससे रिलेटेड और भी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन बाई बाई मी। इफ़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप और यू कैन कॉल मी ऑन माई ओन नंबर और यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। इफ़ यू डिडेंट सब्सक्राइब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। द बेनिफिट ऑफ द सब्सक्राइब द चैनल आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो डेट वैन आई अपलोड डेली न्यू वीडियोज, डेट वीडियो विल रीच यू ऑटोमेटिकली एंड यू विल गेट ऑल माई इन्फॉर्मेटिव वीडियो विच आई अपलोड डेली। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा। करने का फ़ायदा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो जो है डेली मैं अपलोड करता हूँ, वो आपको बाई डिफॉल्ट आपके मोबाइल में, पीसी में, जिस डिवाइस में भी आप यूट्यूब देखते हैं उसके होम पेज पर आपको नज़र आ जाएगी सबसे पहले, और वो नज़र आ करके आप उससे जो है इन्फॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। तो आई होप आप ऐसा करेंगे। जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर, सबको मैं जो है सच्चे दिल से जो है थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को इतने सब्सक्राइब करने की वजह से, इतने कमेंट करते हैं आप, इतने जो है शेयर करते हैं वीडियोस, इसकी वजह से चैनल जो है बहुत ग्रो अप हो चुका है और आप लोगों का सहयोग मुझे मिल रहा है, और ऐसा सहयोग मिलने की जो हमें आशंका आपसे जो है आशा जो है करता हूँ। और जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर हैं उनको जो है जैसे कि मैंने बताया था व्हाट्सअप पर या ईमो पर आपको लेट रिप्लाई मिला करे, तो प्लीज़ उसके लिए माइंड ना किया करें। उसके पीछे का रीज़न मैं बता चुका हूँ कि जॉब की वजह से और हज़ारों मैसेजेस मेरे पास रहते हैं दिन भर में, इसलिए जो है मैसेजेस का, हर किसी मैसेज का रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी जो है कोशिश करता हूँ जो 2 दिन पुराने होते हैं, 3 दिन पुराने होते हैं मैसेज, उनको सबसे पहले जो है रिप्लाई देने का, फिर जो है नेक्स्ट डे वालों का। तो इसलिए करके अगर आप थोड़ा डिले हो जाया करें तो मैं उसकी भी जो इंशाल्लाह जल्द जो है उसकी कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, जिससे कि आपके जो है रिप्लाई क्विकली मिल जाया करें। अभी जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे या और किसी भी वीडियो के नीचे, उनके रिप्लाई तो मैं जो हूँ एकदम जो है क्विकली दे देता हूँ, आप उन पर रिप्लाई कर दीजिएगा। या आप अगर किसी कंट्री के लिए इंटरेस्टेड हैं या आप जो है अपने डॉक्यूमेंट दिखाने चाहते हैं मुझे, तो यू कैन सेंड योर डॉक्यूमेंट ऑन माई ईमेल आईडी। मैं पहले आपकी एलिजिबिलिटी चेक करता हूँ, बाद में बताता हूँ कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। आप एलिजिबल हैं तभी बताता हूँ, नहीं हो तो फिर भी आपको जो है उसमें बता देता हूँ। तो इसलिए करके आप जो है प्लीज़ माइंड ना क्या करें। मैं इसकी भी जो है जल्द जो है कोशिश कर रहा हूँ कि आपके रिप्लाई व्हाट्सएप पर, ईमो पर जो मैसेजेस होते हैं वो आप जो है आपके उसके जो है क्विकली जो है मिल जाए करें। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा वीज़ा से रिलेटेड, और मैंने इसमें आपको कैटेगरीज भी बता दी इससे रिलेटेड, या और कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो आपकी मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी या जॉब से रिलेटेड, यू कैन आस्क एंड यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी, जॉब्स एंड इमिग्रेशन। सो आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑल्सो।
थैंक्स अगेन ऑल माई व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर, प्लीज सब्सक्राइब चैनल, क्लिक ऑन दिस रेड क्लिक बटन. व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस रेड क्लिक बटन, चैनल विल सब्सक्राइब एंड यू विल गेट ऑल माई इन्फॉर्मेटिव वीडियो विच आई अपलोड डेली. सो इंशाल्लाह आई विल मेक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑल्सो. टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.